अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजी काली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है टॉप 10 इंडियन बाइक्स विच आर वेरी पॉपुलर इन फॉरेन कंट्रीज। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है टॉप 10 इंडियन बाइक्स पॉपुलर इन फॉरेन कंट्रीज। सो स्टार्ट करते हैं। एक समय था जब भारत में इम्पोर्टेड चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। लोग अपने देश में बनी चीज़ों की कम और इम्पोर्टेड चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू करते थे। मैंने पहले ही बोला था पुराना माल नहीं चलेगा, तुम इम्पोर्टेड में कुछ नया दिखाओ। और बाइक्स के मामले में भी मार्केट ट्रेंड कुछ ऐसा ही था। पर अब सिचुएशंस काफ़ी बदल चुकी हैं। भारतीय ऑटोमोटिव कंपनीज वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल्स डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी खूब बिकती हैं। हेलो राइडर्स, ये है द ड्रूप राइडर शो, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत में बनाई जाने वाली 10 ऐसी मोटरसाइकिल्स जो भारतीय मार्केट के साथ ही दूसरे कई देशों में भी काफ़ी पॉपुलर हैं। सो लेट्स बिगिन। अगर मोटरसाइकिल्स बनाने की बात करें तो हमारे हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हीरो की HF डीलक्स एक फ्यूल इफिशियंट कम्यूटर बाइक है, जो अपनी शानदार माइलेज और डिसेंट डिजाइन के लिए काफी पसंद की जाती है। पेश है नया हीरो होंडा सिटी डीलक्स, अब डीलक्स स्टाइलिंग, डीलक्स हेडलैम्प और डीलक्स ग्राफिक्स के साथ। जब बाइक है डीलक्स, तब लाइफ है डीलक्स। 97cc के इंजन वाली इस बाइक में हीरो ने फ्यूल इंजेक्शन, एक्सेंस और i3s जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी दी है, जिसकी वजह से ये बाइक 65 से 70 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे सकती है। इसी वजह से लोग इस बाइक को काफी पसंद करते हैं। भारत के अलावा ये बाइक नाइजीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में भी काफी पॉपुलर है। नेक्स्ट है KTM Duke 390 और 200। अब आप सोच रहे होंगे कि KTM तो भारतीय कंपनी नहीं है, तो फिर आखिर इसे इस लिस्ट में क्यों इंक्लूड किया जा रहा है? इसके पीछे का रीजन है बजाज। पिछले कई सालों से KTM बजाज के साथ काफी क्लोज अलायंस में काम कर रहा है, और मिड टू स्मॉल इंजन कैपेसिटी वाली ड्यूक बाइक्स बजाज के प्लांट में ही बनकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। KTM ड्यूक एक शानदार स्ट्रीट बाइक है, जो अपनी अट्रैक्टिव स्टाइलिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से यंगस्टर्स की फेवरेट है। भारत के अलावा ये बाइक यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में भी खूब बिकती है। आठवें नंबर पर है TVS Star City। सुपर फ्यूल इकोनॉमी और डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाली ये बाइक TVS की तीसरी टॉप सेलिंग मॉडल है। भारत में महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे बड़े क्रिकेटिंग स्टार्स TVS Star City को प्रमोट करते हैं। इकोनॉमी क्लास वाली ये बाइक भारत के अलावा श्रीलंका और कोलंबिया में काफी पसंद की जाती है। सातवें नंबर पर है बजाज पल्सर। पल्सर भारत की सबसे सक्सेसफुल बाइक्स में से है, जिसने पूरे भारतीय टू व्हीलर मार्केट को बदल कर रख दिया। पल्सर की शुरुआत और भारतीय मार्केट पर इसके इम्पैक्ट के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, जो आप यहां आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पल्सर भारत में जितनी पॉपुलर है, उतनी ही दूसरी कई देशों में भी है। इंटरनेशनल मार्केट में पल्सर की डिमांड की वजह से ही बजाज एक ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरा है। ये बाइक स्पेन, पेरू, फिलीपींस और कोलंबिया जैसे कई देशों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है हीरो स्प्लेंडर। ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। भारत के साथ ही ये नाइजीरिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी बेची जाती है। लोग इस बाइक की सिंपल डिजाइन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी की वजह से इसे काफी पसंद करते हैं। पहली बार 1994 में लॉन्च होने के बाद से लेकर आज तक हीरो स्प्लेंडर मिडिल क्लास बायर्स की फर्स्ट चॉइस रही है। आई एम श्योर मेरे ही तरह आपकी फैमिली या रिलेटिव्स में भी किसी न किसी के पास एक स्प्लेंडर तो जरूर होगी। पांचवें नंबर पर है TVS अपाचे। पहली बार 2005 में लॉन्च हुई अपाचे भारतीय टू व्हीलर मार्केट की सबसे आइकॉनिक बाइक्स में से है। ये बाइक अपनी दमदार परफॉर्मेंस और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। समय समय पर TVS ने इस बाइक में कई सारे अपग्रेड्स किए हैं। The new TVS Apache Matte Blue Edition, True Blue Races. 160, 180, 200 और 312cc इंजन वेरिएंट्स में आने वाली ये बाइक भारत में पल्सर के बाद दूसरी सबसे पॉपुलर बाइक है, और भारत के अलावा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और कुछ दूसरे एशियन देशों में भी काफी पसंद की जाती है। इस लिस्ट में आगे है वो बाइक जो भारत से ज्यादा भारत के बाहर पॉपुलर है। मैं बात कर रहा हूँ बजाज बॉक्सर की।
ये बाइक भारत में तो बंद हो चुकी है पर अफ्रीका में खूब बिकती है। बॉक्सर 100 और बॉक्सर 150 भारत में बनाई जाती है और यहाँ से अफ्रीका के साथ ही कुछ दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। बजाज बॉक्सर अफ्रीका की टॉप सेलिंग और मोस्ट सक्सेसफुल बाइक्स में से है, जो वहाँ के लोगों की डेली लाइफ में मजबूती से उनका साथ देती है। तीसरे नंबर पर है रॉयल एनफील्ड मीटियोर। 350 सीसी की ये नई बाइक क्लासिक 350 से ज्यादा स्टाइलिश और बोल्ड है। रॉयल एनफील्ड ने इसे भारत के अलावा इंग्लैंड और अमेरिका में भी लॉन्च किया है। स्मूथ और पावरफुल इंजन वाली इस रोडस्टर को हर जगह काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जो रॉयल एनफील्ड ब्रांड की इंटरनेशनल प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दूसरे नंबर पर है बजाज डोमिनार। पल्सर से अलग ये बजाज का प्रीमियम सब ब्रांड है, जिसमें 250 और 400 वेरिएंट की दो बाइक्स आती हैं। बजाज डोमिनार एक मॉडर्न क्रूजर बाइक है, जो कंफर्टेबल और पावरफुल राइड एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन की गई है। ये बाइक नॉर्मल सिटी कम्यूट्स और लॉन्ग रेंज क्रूजिंग के साथ ही मॉडरेट ऑफ रोडिंग के लिए भी सूटेबल है। भारत के अलावा स्पेन, अमेरिका, फिलीपींस और पेरू जैसे देशों में भी डोमिनार को काफी पसंद किया जाता है। और पहले नंबर पर है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 और इंटरसेप्टर 650। ये दोनों बाइक्स रॉयल एनफील्ड की सबसे पावरफुल और सबसे प्रीमियम बाइक्स हैं। रेट्रो स्टाइलिंग और 650 सीसी पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन वाली ये बाइक सुपर स्मूथ और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए ट्यून की गई है। भारत के साथ ही ये बाइक इंग्लैंड और दूसरे यूरोपियन देशों में भी काफी पसंद की जा रही है। ये सभी बाइक भारतीय डिजाइनर्स और इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जी जनाब, अच्छा मैं तो ये कहूँगा कोई सी भी एक बाइक को मैं बेहतर कहूँ ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। हाँ, ये 10 की बाइक्स को बेहतर कह सकते हैं। 10 की 10 बाइक जो थी अपने हिसाब से, अच्छा कुछ जो थी वो थोड़ी सी लुक वाइज इतनी स्टाइलिश थी, कुछ थोड़ी सी सिंपल थी, लेकिन सभी का लुक बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा मुझे चार बाइक्स तो बहुत अच्छी लग गई। एक अपाची, एक डोमिनार, एक पल्सर और एक बॉक्सर। ये चार बाइक्स तो मुझे लुक वाइज बहुत अच्छी लगी और फिर उन्होंने कहा कि पावरफुल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, इनकी राइड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और ऐसे जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आप नॉर्मली देखते हैं कि हल्की वाली जो सिंपल टाइप की बाइक्स होती हैं वो नहीं चल पाती हैं, इतना ख़राब हो जाती हैं, ये हो जाती हैं। मुझे बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि बॉडी ही इतनी स्ट्रांग है कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि लंबे से लंबे सफ़र पर ले जाया जा सकता है इन चार पाँच बाइक्स को। तो मतलब इतनी एक मस्कुलर टाइप की लग रही हैं, अच्छी लग रही थी। अच्छा बॉक्सर के हिसाब से मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में यूज़ ही नहीं हो रही, अफ्रीका जा रही है। अच्छा आपको इसकी लॉजिक क्या लगती है कि जब एक चीज़ इंडिया में बन रही है तो इंडिया में इतनी बिक नहीं रही, बल्कि बिक नहीं रही कि बल्कि कह रहे हैं कि यहाँ पे शोरूम ही नहीं है, तो इंडिया में ज़्यादा ऑप्शन होंगे, इंडिया में उसके उसकी नस्बत कोई और बाइक को ज़्यादा पसंद किया जाता होगा, या मे बी इन्होंने टोटली अफ्रीका को ही एक्सपोर्ट करना होता होगा तो वही बना रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि कोई भी चीज़ अक्सर देशों में मैंने ये देखा है कि एकदम से कुछ क्वांटिटी में लोग ले लेते हैं ना, हर जगह दिख रही होती तो फिर अगला बंदा भी वही लेता है, फिर अगला बंदा भी लेता है, तो वो वहाँ पे इत्तफाक है, अच्छी तो अपनी जगह इत्तफाक है कि वहाँ पे लोगों की पसंदीदा हो गई, लोगों ने यूज़ की, लोगों ने एक दूसरे को देखा देखी यूज़ की, फिर उसने यूज़ की तो वहाँ का एक ये फेवरेट ब्रांड हो गया वो। अच्छा फेवरेट ब्रांड भी जब ही बनता है, जब होता ये है कि वो ब्रांड आपको एक तो सूट करे बिल्कुल और आपने जो तवक्कुआत लगाई हैं उससे वो पूरी की पूरी उस आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा का पूरा उतरे, नहीं तो आप चेंज कर देते हो ब्रांड, चाहे वो जितना भी अच्छा हो, चाहे वो जितने भी लोग यूज़ कर रहे हो, क्वालिटी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, नहीं करता। और दूसरी बात ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया का एक मतलब जोग्राफियाई तौर पर अगर हम देखें इंडिया को और रोड वगैरह को भी अगर हम देखें और फिर अफ्रीका की तरफ जाएँ तो दोनों का बड़ा अंतर है, तो वहाँ पर सूट कर रही होगी, वहाँ पर सूट मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ के रोड्स हो गए, वहाँ की जगहों के हिसाब से बहुत सूटेबल रही होगी तो वहाँ के लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। और फिर ये टोटली इनका जो प्लांट है वो बनाता भी है तो सिर्फ और सिर्फ टोटली अफ्रीका के लिए ही बनाता है, वहीं एक्सपोर्ट करता है। बिल्कुल ऐसा ही, बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। अच्छा पल्सर के बारे में बताया गया कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब पल्सर ने तो टू व्हीलर की सोच ही चेंज कर दी, यानी कि शायद कई ऐसे लोग थे जो शायद कार में बैठना पसंद करते थे, पल्सर के बाद बाकायदा उन्होंने मतलब कई लोग टू व्हीलर पे आ गए, सिर्फ शौक और एक कंफर्टेबल की वजह से, अच्छा लगने की वजह से थोड़ा सा।
तो ये एक बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कंफर्टेबल की बात करें तो कार ज्यादा कंफर्टेबल रहती होगी। देखिए कार सीट्स वगैरह, देखिए कार के अपने बेनिफिट्स हैं। कार में आप तो एक से ज्यादा लोग बिठा सकते हो, कार में आप थोड़ा सा ठीक है ना, कार कार के जो शौकीन है वो एक अलग चीज होती है। लेकिन शौक का कोई मोल नहीं है, जिनको बाइक्स अच्छी लगती है तो उनके पास लाख कार्स हो लेकिन वो बाइक्स पे ही सफर करना पसंद। कार अपनी जगह पे होती है उनके पास, लेकिन वो कहीं भी दोस्तों के साथ जाते हैं कहीं भी। अच्छा कार बाइक आपको जल्दी पहुंचा देती है, बाइक छोटे मोटे गलियों से रोड में तो दिखाया भी, वो उनकी कार है तो वो कार के पास खड़ी है, वो बाइक वाले को देख रही है, तो मतलब वो बाइक इतनी अट्रैक्टिव है कि कार वाला अपनी कार को भूल जाए, उस बाइक को देखने लग जाए। तो मतलब ये भी तो अपने आप में एक कमाल की बात है। ये ऐड है, ये ऐड है, तो ऐड बनाया इसलिए जाता है कि मतलब है कि हमारी चीज जो है वो इतनी अट्रैक्टिव है कि आपकी जो चीज़ है उसके मुकाबले में 10 गुना बेहतर। कुछ भी नहीं, तो ये ऐड का मकसद होता है। लेकिन सारी बाइक्स बहुत ज़बरदस्त और यूरोप में बहुत जा रही हैं, मतलब इंग्लैंड में। अच्छा ये एक ऐसा काम है, कोई प्लास्टिक के बर्तन या कोई हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें, ठीक है वो चीज़ नहीं है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अगर यूरोप वाले, अमेरिका वाले, अफ्रीका वाले इंडिया की बनी हुई यूज़ कर रहे हैं तो इंडिया की इकोनॉमी में क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि बाहर के जो लोग होते हैं ना वो हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपने देखा स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड दिखाओ ना, मुझे सस्ता नहीं दिखाओ, मुझे ऐसा नहीं दिखाओ, ऐसा नहीं दिखाओ। तो यानी कि पहले बहुत अलग इमेज थी, अब इंडिया की बहुत अलग इमेज है। अब देखें बाहर जाके इंडियन चीज़ अगर बाहर बिक रही हैं तो फिर बात ही ख़त्म हो गई, फिर आप ही की चीज़ खास हो गई। यानी कि ऐसा है कि इंडियंस जो बना सकते हैं शायद वो अपने अंदर वो काबिलियत फील नहीं कर रहे कि हम वैसा बना ही नहीं सकते। उनका जो मटेरियल है, उनका उनकी जो चीज़ है, उनके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी चीज़ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो शायद हम देखें ना, अफ्रीका जो इतना एक्सपोर्ट करवा रहा है तो वो अपना एक प्लांट पर लगा ले, लेकिन नहीं। तो मैं कहता हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो इंडिया वालों के लिए, बहुत ही प्राउड और गर्व की वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।